अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लेडीज़ या गर्ल्स जैकेट कह सकते हैं, वो हम बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं ये दो कलर यूज़ कर रही हूँ, ये ग्रे और ये ऑरेंज कलर। आप चाहें तो एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह का ये सुराखों वाला बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ सबसे पहले हमने इस तरह से इसको बनाना है। ये देखें, इसकी लेंथ को नापते, ये देखें इस तरह से, ये इसकी लेंथ को हम इंच टेप की मदद से मेजर कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 27 इंच है। तो ठीक है, मेरी इसकी लेंथ जो है वो 27 इंच है। और मैंने ये देखें, ये जो है ऊपर से ये 30 इंच तक मैंने रखा था। ये ऊपर से वो कॉलर के लिए बढ़ाया है। अगर आप कॉलर नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आप सिर्फ यहाँ तक मेजर करके, यहाँ तक तक नाप करके इसको, तो इसकी चेंज बना सकते हैं। और अगर वी गला या कोई और अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये फिर ऊपर वाला जो इतना पार्ट है ये आप ना बनाएं। मैंने 30 रखी थी और यहाँ तक 27 बनती है जहाँ ये मैंने स्टिच मार्कर लगाया है। तो फिर आप इतना ना बनाएं और सिंपल ये इस तरह से ऐसे ये गला भी बन जाएगा, ठीक है? तो मैंने इसकी जो चेन्स थी वो मैंने, ये मैंने काउंट नहीं की, मैंने चेन्स बनाकर तो मैंने मेजर कर ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं ये ग्रे कलर यूज़ करूँगी, इसकी चेन्स स्टार्ट करूँगी। उसका आपको पता है कि सबसे पहले हम यूं सोलोमन, ये सॉरी नॉट बनाते हैं। नॉट के बाद हम इसकी जो है वो चेन शुरू कर देते हैं, ठीक है? इस तरह चेन बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये चेन बनाते जाना है। और चेन बनाने के बाद अगर आप 30 इंच बनाना चाह रही हैं तो आपने क्या करना है, 10 इंच जो है वो, ये 20 इंच ये बनाएंगे चेन, और जो 10 इंच है वो हम ऑरेंज कलर की चेन, इसके आगे ऑरेंज वाला जो है वो कलर स्टार्ट कर लेंगे। वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 20 इंच ग्रे कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो ऑरेंज वाला थ्रेड है इसको इसी तरह से, उसको कट नहीं करना ग्रे वाले को, इसको यहाँ से आपने जो है वो ऑरेंज कलर स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? 20 इंच बनाने के बाद अगर आप ये 27 इंच बनाना चाहती हैं तो फिर आप इसको कितना करेंगी, 3 इंच कम कर देंगी। ये 10 इंच की बजाय 7 इंच जो है वो आप ये ऑरेंज वाला कलर ऊपर यूज़ करेंगी, ठीक है? इस तरह आपने चेन बनाकर, तो आपने फिर मेजर कर लेनी है। ये मैं फिर इसको रख के इस तरह से मेजर कर लूँगी कि मेरी कितनी लेंथ हो गई है। तो आप 27, ये जितनी आपकी लेंथ है जितना आप रखना चाहते हैं उतनी नाप के आपने ये चेंज करके, तो फिर हमने 3 और चेंज लेके, तो फिर ये वो डबल क्रोशिया हमने बना के ये टर्न ले लेना है इस तरह से। फिर हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है और डबल क्रोशिए की 3 रोज़ जो हैं वो हम बना लेंगे, ठीक है? इस तरह से ये मैंने, ये मैं दूसरी बना रही हूँ, ये मैं पहली बना रही हूँ डबल क्रोशिए की, फिर मैं दूसरी बनाऊँगी और फिर मैं तीसरी बनाऊँगी। वो इस तरह से जो मेरी स्टार्ट वाली वीडियो थी वो मेरी मिसप्लेस हो गई है, तो फिर मैं स्टार्ट में से ये दोबारा से बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 1, 2 और 3 चेन्स जो है, 3 रोज़ जो हैं, ये देखिए लाइट कलर पे अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, 3 रोज़ जो हैं वो मैंने ये
डबल क्रोशे की बनाई। ठीक है, 3 रोज बनाने के बाद ये देखिए फिर मैंने यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट किया। और आपने क्या करना है, ये जो है ये देखिए हर मैं रो में एक स्टिच, ग्रे वाला जो है वो मैं यहाँ तक पहले मैंने बनाए थे, और फिर मैंने जब अगली वाली रो आई तो मैंने फिर ये ग्रे के ऊपर एक और स्टिच जो है वो बना दिया, ये देखिए इस तरह। ठीक है, और फिर अगली रो में फिर मैंने ग्रे के ऊपर एक और स्टिच बना दिया, यानी कि मुझे यूं इसको स्लोप में लेके जाना है। ये देखें आपको जैसे नज़र आ रहा है इस तरह, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा हर स्टिच, हर चेन, हर राउंड, ये हमारी रो में, हर हमारी लाइन में एक स्टिच जो है मैं इसको इधर को ले आऊँगी, यानी कि एक पहले जो ये जो ग्रे बना हुआ, ग्रे के ऊपर मैं आखिरी ग्रे के ऊपर मैं ये ऑरेंज बना लूँ। ठीक, ये 3 आपने डबल क्रोशिए की रोज बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ से मैंने ये 8 स्टिचेस लिए। 3 बनाने के बाद जो चौथी हमारी रो है उसमें मैंने 8 स्टिच ये डबल क्रोशिए के बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद आपने क्या करना है, 12 चेन्स लेनी है, और यहाँ से मेरी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाती है। 12 चेन्स लेके फिर आपने 12 ये इधर से स्टिचेस छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्टिचेस छोड़ के तो ये फिर वो चेन को इधर इंसर्ट कर देना। ठीक है, इस तरह से मैं इसका स्टार्ट लूँगी, और बाकी पूरा पूरा ये मेरी एक्सप्लेन हुई हुई है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी डिज़ाइन की, तो स्टार्ट करें। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 12 चेन्स बनाई है। 12 चेन्स बनाने के बाद मैंने यहाँ से 12 स्टिचेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर मैं जो है वो ये वाले स्टिच पे इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी डबल क्रोशिए के ज़रिए। ये मैंने यार्न ओवर, और यहाँ पर, ठीक है, और ये मेरा दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। ये मैंने 4 स्टिचेस अब आगे डबल क्रोशे के बनाए हैं, और ये 12 मैंने इधर से स्टिच छोड़े और 12 ऊपर चेन्स बना लिए, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब 4 मैंने ये स्टिचेस बनाए हैं, और उसके बाद फिर मुझे वही रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 छोड़ के ये 13 वाला 13वां जो है उसके अंदर मैं यहाँ पे यार्न ओवर करूँगी और ये डबल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे ये 2 स्टिच हो गए मेरे पास, और ये 3 स्टिच हो गए मेरे पास, और ये 4 स्टिच हो गए मेरे पास। ठीक है, ये देखिए इस तरह मुझे चौथे स्टिच पे जाकर
फिर इसको ज्वाइन कर लेते। अब फिर मैं करूँगी सेम वही, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और फिर मैं इधर काउंट करूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे मैं आके इसको यूं इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, और फिर से मैं डबल क्रोशिए के 4 डबल क्रोशिए 4 स्टिच में बनाऊंगी। ठीक है, 4 डबल क्रोशिए 4 स्टिचेस में। ये देखिए हमारे पास ये 3 आ गए हैं इस तरह के, ये देखिए 1, 2, 3, 3 हो गए। अब 4 में बनाऊंगी और उसके बाद 5 बनाऊंगी। बस मुझे 5 5 ही इस तरह के बनाने हैं, 5 ही इस तरह के बनाने हैं। ठीक है, 5 के बाद फिर मैं बाकी पूरी जो बाकी जो है वो उसको इसी तरह से डबल क्रोशिया एंड तक बना लूँगी और फिर मैं रिपीट करती हूँ। ये देखिए मैंने ये पूरी रो जो है वो कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब आगे देखें, ये मैंने फिर टर्न लिया है यहाँ से कंप्लीट करके, इसको मैंने फिर टर्न लिया है 3 चेन्स लेके, तो फिर ये मैंने डबल क्रोशे से इसका मैं अगली रो बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये इसी तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और यहाँ तक आप भी कंप्लीट करके आए, फिर ये मैं नेक्स्ट कलर बताती हूँ कैसे लगाना है। अब ये देखिए मैंने ये कितने स्टिचेस जो हैं, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मैंने 22 यानी कि 22 स्टिचेस के बाद ये एक निशान लगाया है। अब हमें जो अगली रोज़ है वो यहाँ तक, सारी रोज़ अगली जो है वो यहाँ तक बनानी है। ये असल में मैंने जो बैक साइड पे हमारे यू ये बैक का कॉलर सा बनता है, ये देखें इस तरह से, ये उसका है। और अगर आप नहीं इसको बनाना चाहते हैं, इसे सीधा रखना चाहते हैं, इधर कॉलर नहीं बनाना चाहते हैं, ये इस तरह से एक बैन की तरह बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो फिर आपने लेंथ इतनी ही रखनी है। ठीक है, यहाँ तक, और ये हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। और दूसरी साइड का भी इधर से फोल्ड होके यहाँ आके ये दोनों स्टिच हो जाएंगे और यहाँ से हमारा जो वो पूरी साइड आगे हो जाएगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ये देखें आगे मेरा जो है वो ग्रे कलर आ गया है। तो मैं क्या करूँगी, ग्रे कलर का जो नेक्स्ट स्टिच है ये देखें हमारे पास, वो मैं एक और जो ग्रे है वो मैं ऑरेंज बना दूंगी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टिच था एक और वो आगे बढ़ गया, ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब मुझे आगे ग्रे कलर स्टार्ट करना है, तो मैं इसको इधर करूँगी और ग्रे कलर स्टार्ट कर दूँगी। इसी तरह मुझे ये एक एक आगे बढ़ाते जाना है, ये देखिए सीधी साइड से हमारा हर स्टिच एक एक दफा बढ़ता जा रहा है। अब मुझे ये इसी तरह से डबल क्रोशिए से मुझे अपनी पूरी रो जो है वो कंप्लीट करनी है। इस तरह से
ये फिर मैं बताती हूँ यहाँ से आपने क्या करना है। आप अगर एक एक कलर का बनाना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास दो कलर की वूल थी, मैंने दो कलर का बना लिया। अब ये हमारी चेन आ गई है, इस पे 12 स्टिचेस हैं, 12 चेन्स हैं ये, तो हम 12 जो है वो डबल क्रोशी बना लेंगे। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ से लूंगी। ये मेरा पहला हो गया। ये मेरा दूसरा हो गया। ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छः, सात, आठ, नौ और दस और ये 11 ये 11 और हमारा लास्ट रह गया है ये वाला। हमने 12 स्टिचेस ये बना लिए हैं, ये देखें। उसके बाद 4 स्टिचेस ये जो हमारे पास हैं इनके ऊपर भी हमने बिल्कुल इस तरह से बना लिया, ये बना लेना। ये देखिए हमारे हमने जो 12 स्टिचेस बनाए। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, हमारे जो मिड वाले थे 4 स्टिचेस जो थे वो ये देखिए, ये हमारा इतना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने ये यहाँ पे 12 काउंट करके आपने 12 बनाने पूरे, और ये फिर 4 हैं, फिर ये 12, फिर 4, फिर 12, इस तरह हमने यहाँ तक जो है वो इसको कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे लास्ट में 8 है, इस तरह कंप्लीट कर लेना। अब कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आए। ये देखिए मैंने ये रो जो है वो कंप्लीट करके और यहाँ से मैंने इसको ये अपनी यार्न को ये रो कंप्लीट करके मैंने इसको कट कर दिया है, इसलिए कि मुझे यहाँ से वो ओपन वाला जो है आपने देखा स्टार्ट में ओपन वाला जो है वो यहाँ से रखा है। और फिर मैंने क्या किया है, मैंने 12 ये देखें, मैंने ये मैंने
एक ये स्लिप नोट लेके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है 12 चेन्स ली हैं। और फिर मैं ये यार्न ओवर करके, तो यहाँ से मैं जो है वो 1 2 3 4 छोड़ के फिफ्थ वाला जो है उसमें मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी, ठीक। और फिर दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर तीसरा डबल क्रोशिया, और फिर चौथा डबल क्रोशिया। ये इनके मिड में चार मैंने इधर से छोड़े हैं, चार इधर से, और जो दरमियान वाले चार डबल क्रोशिए थे वो मैंने उनको सिर्फ बनाया है, चार इधर से मैंने छोड़े हैं, ठीक है। अब मैं फिर 12 चेन्स लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। और मैं यार ये ऐसे ऊपर लेके, तो फिर इधर से 1 2 3 4 छोड़ के, ये देखिए 1 2 3 4 छोड़ के ये पांचवें वाले में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँ। ये मेरा पहला हो गया, और ये मेरा दूसरा, और ये तीसरा, और ये ठीक। और फिर मैंने 12 चेन्स लेनी है, ये मेरी 2 हो गई। ये देखें अब हमारा कैसे बना है, अब हमारा इस तरह से बना है, ये देखिए। ये पहले जहाँ पे ये वाली स्पेस थी, अब इधर ये 4 चेन्स आ गई हैं, और जहाँ ये 4 चेन्स थी उनके ये बिल्कुल सेम उसके बराबर में ये वाला होल बना है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। और यहाँ से ये देखें मैंने ओपन रखा है, ये फिर इधर से आके जो है वो दोनों इधर से ये साथ में इसके ऊपर आके, तो डबल क्रोशिए वाली जो रो मैं टर्न लेके वापस आऊँगी, तो इसके ऊपर डबल क्रोशिए वाली इधर से बन जाएगी, और फिर ये इतना पार्ट जो है वो आपस में जुड़ जाएगा, और फिर आगे से ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन नहीं रखना चाहते तो ऐसे आप 4 चेन्स लेके, 4 एक्स्ट्रा चेन्स लेके, जो इस तरह से बंद हो जाएगा, ये देखें इस तरह से 4 एक्स्ट्रा चेन लेके, तो फिर ये 12 चेन्स लेके, तो फिर आपने यहाँ पे डालना है, पहले 4 ले लेनी नेक्स्ट में जाने के लिए, और फिर आपने ये 12 लेके, और फिर ये बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाना। और मैं यहाँ से ये ओपन रखूँगी, ये आप जब बन के इधर से आ जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा। अब ये मैं बाकी सारे इसी तरह से बनाती जाऊंगी। यहाँ पे एक बनेगा आके 4 चेन्स, ये अब मैं 12 लूंगी तो फिर मेरा एक यहाँ पे बनेगा, फिर 12 लूंगी तो यहाँ पे बनेगा, और फिर 12 लूंगी तो यहाँ पे बनेगा। इससे हमें आगे नहीं जाना, हमें इससे नीचे नीचे को जाना है। बस ये वाला हमारा जो यहाँ पे 4 चेन्स हैं, ये देखें ये वाला हमारा लास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बस ये 4 डबल क्रोशिए के ऊपर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिए बन जाएंगे, बस उससे हमें आगे नहीं बनाना। आगे फिर इसी तरह से मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ। चले आप बनाकर इसको यहाँ पर आए, और फिर मिलते हैं। ये देखें ये मैंने यहाँ तक बना लिया, ये देखिए आगे मैंने ये इधर तक बना के, फिर मैंने आगे ये 4 की बजाय ये मैंने पूरी इधर तक बना ली, फिर मेरे हमारा नेक्स्ट कलर होगा। और नेक्स्ट कलर के बाद मैं इसको यहाँ से टर्न ले लूँगी, इससे मुझे आगे नहीं जाना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बनाए आप,
ये देखिए मैंने यहाँ से कंप्लीट किया यहाँ तक, ये देखिए यहाँ जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक, और वहाँ से मैंने टर्न ले लिया। ये हमारा जो शोल्डर का ये अपर वाला पार्ट होता है ये वो वाला बनेगा तीरा, और ये हमारा इस तरह से कॉलर का हाफ साइड बनेगी, ये देखिए इस तरह से ठीक। और यहाँ भी मैंने एक स्टिच बढ़ाया, और ये मैं फिर वो जो चेन थी सब के ऊपर मैं बनाती गई, और ये देखिए हमारा इस तरह से डिज़ाइन ये बन रहा है। और यहाँ पे जो मैंने 12 चेन ली थी 12 चेन्स, इसको मैं अच्छी तरह से अंदर कर दूंगी। और ये देखिए जो मैंने 12 चेन्स ली थी उनके ऊपर भी मैंने डबल क्रोशिया बना दिया, बनाकर फिर मैं 3 चेन्स लूंगी, 3 और लेने के बाद टर्न ले लूंगी इस तरह से, और फिर इसके ऊपर ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है। और ये देखिए मुझे यहाँ तक बना 8 3 4 5 6 7 और 8 ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ऐसे यहाँ से हो जाएगा। 8 चेन्स लेने के बाद हमें ये देखें अब ये इसके यहाँ पे बराबर में आ रहा है। अब हमें 12 चेन्स बनानी है, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें ये देखें इसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे 12 चेन्स बनानी है और यहाँ अटैच करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 4 ये हैं, 4 ये, 8 और यहाँ पे 4 हमने काउंट करके 1 2 3 4 और ये जो पांचवा है हमारा यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी। और फिर ये पहला डबल क्रोशिया और ये हमारा दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, उसके बाद फिर 12 चेन्स और से इसी तरीके से ये देखिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे बनाती जाऊंगी। आप चाहें तो इसको जो है वो 3 चेन्स या 4 चेन्स के जरिए इस तरह से यहाँ से अलग अलग नाम भी रखना चाहें तो यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना और यहाँ पे बना के मुझे फिर ये आगे से सीधा ले जाना है। ये देखें जैसे ये है, उसके बाद यहाँ पे आ गया और अब इसके मिड में आएगा तो बस यहाँ तक बनाना है। ये ऐसे होते होते ये एंड हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर एक इंक्रीज वो हमें और इंच इधर को लाना है और फिर यहाँ से फिर टर्न ले लेना, ठीक है। यहाँ तक हमें ये बनाने हैं। अब एक यहाँ पे आके अटैच होगी और फिर 4 हम वो बनाएंगे और फिर यहाँ पे आके अटैच होगी, फिर 4 बनाएंगे और यहाँ पे आके अटैच होगी और फिर यहाँ से हमें जो है वो पूरे डबल क्रोशिए एंड तक बनाते जाना, ठीक है। इस तरह से आप बनाएं।